अब पटना चलते हैं, वहां पे मनीष कुमार जी मौजूद है हमारे साथ। मनीष जी नमस्कार, क्या सवाल है आपका? नमस्कार, मेरे पास पीएनबी है, जी 3000 शेयर है 134.50 पे, ओके। और कितना समय से? और उसके बाद और एक एनबीसीसी है और एनएचपीसी है। ओके, पीएसयू में खास वजह? मनीष जी सारे के सारे पीएसयू चुने आपने? ये लॉन्ग टर्म प्रोस्पेक्टिव से लिया है हमने। ओके, एक साल तक कम से कम मिनिमम 1 ईयर होल्ड करना है। ओके, तो इनमें आप अभी भी 1 साल का समय और दे सकते हैं, राइट? बिल्कुल। तो रवि जी, इनके पास पीएनबी है, 134 रुपये, 135 रुपये के दाम पर खरीदारी है, और ये शायद वही दाम है जो आज से ठीक 10 साल पहले था, क्योंकि 10 साल के बाद भी ये वही दाम पर पहुंचा है आज। और दूसरी तरफ एनबीसीसी है और एनएचपीसी है, तो इन तीनों शेयरों में क्या करें? देखिए, अगर तीनों का कंपैरिजन करें तो इनका एक ही शेयर आपने सुमित जी जो चूज किया वो पुअर निकला, वो है पीएनबी। और पीएनबी में हायर लेवल्स पर एंट्री इन्होंने कर रखी है 134 के आसपास, लेकिन मैं आपको यहाँ पर एक राय दूंगा, पीएनबी से पी में ही चेंज हो जाइए, और चेंज हो जाइए यहाँ पर दूसरा स्टॉक जो है वो है पीएसबी, यानी कि पंजाब एंड सिंध बैंक। सस्ता मिल रहा है, आधा मिल रहा है, डबल क्वांटिटी खरीद सकते हैं, आपके लॉस की रिकवरी भी ज्यादा कर देगा और आपको अच्छा प्रॉफिट भी दे देगा। टारगेट की बात करें तो इस समय 75 का टारगेट और स्टॉप लॉस 52 का, रिस्क रिवॉर्ड रेशियो बेहतर, ज्यादा दमदार स्टॉक, तो पैरेलली चेंज कर लीजिए। और बाकी दो स्टॉक का तो क्या ही कहना, एनबीसीसी है या फिर एनएचपीसी, दोनों जबरदस्त यहाँ पर रनअप दिखा रहे हैं, और मुझे ऐसा लगता है कि एनबीसीसी को पहले देखें तो ये जल्दी हम 170 के टारगेट की बात करेंगे, 2 साल का व्यू है तो 220 के लक्ष्य भी यहाँ पर देखने को मिल सकते हैं, और चार्ट अच्छा है, फंडामेंटल अच्छे हैं, तो फिर क्या निकलना, वेट कर लीजिए। दूसरा एनएचपीसी, अभी भी उन लोगों के लिए जो नए दर्शक अभी जुड़े हैं उनके लिए मौका 98 रुपीज पे दे रहा है, 120 का लक्ष्य आपको बहुत जल्द देखने को मिल जाएगा, तो मुझे लगता है 92 के स्टॉप लॉस से कंटिन्यू करिए, और काटिएगा नहीं, वेट करिएगा, मल्टी बैगर बनने का इंतजार करिएगा, आपको जबरदस्त मुनाफा देगा, तो वहां 120 का लक्ष्य आ सकता है। तो राय आपको दी गई है रवि जी की तरफ से एनएचपीसी और एनबीसीसी के संदर्भ में, आप उसे फॉलो कर सकते हैं।